कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम जनवरी से लेकर के जून 2023 तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। ये जो है आपका जनवरी से लेकर के जून 2023 तक के करंट अफेयर का एक क्विक रिविजन है। हमारा करंट अफेयर का तो हर महीने वीडियो आता ही है, थ्योरी पोर्शन रहता है, अब थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। जब आपका ये वीडियो चल रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के दौरान नीचे चैट सेक्शन में जा करके आप अपने आंसर को टाइप करेंगे। स्क्रीन पर जो भी नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप चार ऑप्शन को देख करके नीचे चैट सेक्शन में जा करके अपने आंसर को टाइप करेंगे। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस होगा। करंट अफेयर आपने जनवरी से लेकर जून तक का कवर तो किया हुआ है, लेकिन आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं इसे अभी आप वीडियो के दौरान ही चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बता रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, ऐसे जो है प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके साइड में अपना ऑप्शन लिखते हुए चलेंगे। हो सकता है कि यहां पर आपसे गलती हो, लेकिन यहां गलती करेंगे तो एग्जाम में सही करेंगे, ठीक है। चुपचाप बैठ करके वीडियो को देखिएगा मत, नीचे चैट सेक्शन में वीडियो देखने के दौरान अपने आंसर को भी टाइप करते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये जो आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, ये आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो या छात्रावास अधीक्षक हो। सिलेबस का हिस्सा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ घटनाक्रम यानी कि समसामयिक की, तो इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों पुस्तकों को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश का पहला रॉक गार्डन रामाराम जिला सुकमा में स्थापित किया गया, इसे किस योजना के तहत विकसित किया गया है? आप नीचे चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना शुरू करेंगे। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, ऑप्शन सी राम वनगमन परिपथ योजना, ऑप्शन डी स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है। रामाराम जो कि सुकमा जिले में है, यहां पर प्रदेश का पहला रॉक गार्डन, रॉक का मतलब क्या होता है, पत्थर, चट्टान, रॉक गार्डन स्थापित किया गया है। इस रॉक गार्डन को राम वन गमन परिपथ योजना के तहत विकसित किया गया है। जो रामाराम है ये राम वन गमन परिपथ के प्रथम चरण के 9 स्थानों में से एक है। अभी स्थानों की संख्या 10 हो गई है, 10वां स्थान जोड़ा गया है आपका चंपारण्य को, ठीक है, रायपुर जिले के चंपारण को। तो राम वन गमन पथ का हिस्सा है रामाराम, यहां पर प्रदेश का पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया, किस योजना के तहत, राम वन गमन परिपथ योजना के तहत। यहां पर भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के भगवान श्री राम के वनगमन पथ तक, माता सीता के हरण से लेकर के भगवान श्री राम के लंका गमन तक और रावण के वध तक, यानी कि भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित सभी चित्रण को उकेरा गया है पत्थरों के ऊपर। यहां पर एक गुफा है, गुफा की दीवारों के ऊपर भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित सभी चीजों को बताया गया है, उसे उकेरा गया है, वहां पर मूर्तियां स्थापित है, ठीक है, दीवारों के ऊपर जो है पेंटिंग करके दर्शाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम रॉक गार्डन किस जिले में स्थापित किया गया है, तो सुकमा जिले के रामाराम में। दूसरा प्रश्न यह पूछ सकता है कि प्रदेश का पहला रॉक गार्डन रामाराम में स्थापित किया गया, इसे किस योजना के तहत इसे विकसित किया गया है, तो राम वन गमन परिपथ योजना के तहत। और ये जो ऊपर के दो योजना है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, इस साल के बजट में घोषणा किया गया है इन दोनों योजनाओं का, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। इसकी विषय वस्तु क्या है, हमारा जो बजट वाला वीडियो आया था छत्तीसगढ़ बजट 2023-24, उसमें जाकर के देखिएगा, या आर्थिक सर्वेक्षण के बुक के लास्ट पेज में भी दिया हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में
टी एस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, यह किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बैकुंठपुर, ऑप्शन बी प्रेमनगर, ऑप्शन सी रामानुजनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर बताइए। ठीक है, टी एस सिंहदेव जी को प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ये हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई उप मुख्यमंत्री का पद बनाया गया है। हमारे भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री है, कुछ कुछ राज्यों में तो दो या दो से अधिक उप मुख्यमंत्री है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है आपके 5 उप मुख्यमंत्री है, यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री है। हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं टी एस सिंहदेव जी। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री का पद उल्लेखित नहीं है, ठीक है, यह एक संवैधानिक पद नहीं है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो टी एस सिंहदेव जी है ये अंबिकापुर विधानसभा सीट से 3 बार आपके विधायक रहे हैं, ठीक है, अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। टी एस सिंहदेव जी जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें, ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इनके अंतर्गत आता है, ये कैबिनेट मंत्री भी है, इनके अंतर्गत जो है आपके लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आता है, इनके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग आता है, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन आपका कार्यान्वयन आता है, साथ ही साथ GST विभाग आता है। इन्हें अभी हाल ही में एक और विभाग सौंपा गया है जो कि है ऊर्जा विभाग, ठीक है, ऊर्जा विभाग। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं, देखिए ये अभी हाल ही में जो है ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है, इसे जो हमारा ये मंथ के एंड में जो हमारा नया वीडियो आएगा करंट अफेयर का, वहां पे आपको और बताऊंगा, ध्यान देना। हाल ही में जो है प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, जैसे कि आपका जो प्रेम साय सिंह टेकाम जी थे ये कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, उनके स्थान पर नए आए हैं श्री मोहन मरकाम जी, ठीक है, श्री मोहन मरकाम जी जो है ये नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या है 13, ठीक है, प्रेम साय सिंह टेकाम जी ने इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर मोहन मरकाम जी को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर चाहते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो प्रेम साय सिंह टेकाम जी को इस्तीफा न दिलवा करके डायरेक्ट इन्हें जोड़ सकते थे, लेकिन भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003, इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में यानी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। कुल विधानसभा सीट संख्या के 15% से अधिक कैबिनेट मंत्रियों की संख्या या मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितना सीट है, टोटल आपके 90 विधायकों का सीट है या विधानसभा सीट है, ठीक, अगर इसका 15% निकालेंगे तो ये होता लगभग 13.5, ठीक है, 13.5 के आसपास। तो हमारे प्रदेश में जो है कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है, 13, और 13 से अधिक हम जो है कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 करके यह प्रावधान लाया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या 15% कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, प्रेम साय सिंह टेकाम जी ने इस्तीफा दिया और नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं आपके श्री मोहन मरकाम जी, ठीक। देखिए टी एस सिंहदेव जी, इनका पहले पूरा नाम क्या है उसे ही पढ़ लीजिए, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, ये टी एस सिंहदेव जी का पूरा नाम है। इनके पास लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन एवं वाणिज्यिक कर GST तो था, इन्हें साथ ही साथ ऊर्जा का प्रभार भी सौंपा गया, ऊर्जा विभाग भी सौंपा गया है, ऊर्जा विभाग पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास था। दूसरा श्री ताम्रध्वज साहू जी, इनके पास पहले से ही गृह विभाग, जेल विभाग, लोक निर्माण विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, कृषि, पर्यटन ये पहले से शामिल था, इन्हें कृषि विभाग अलग से सौंपा गया है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी ये विभाग इन्हें अलग से सौंपा गया है। ये विभाग पहले श्री रविंद्र चौबीस जी के पास था, फिर मोहन मरकाम जी जो प्रेम साय सिंह टेकाम जी थे उनके पास, उनका जो आपका मंत्रालय था वो इन्हें सौंपा गया। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास,
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास इन्हें सौंपा गया। रविंद्र चौबे जी, जो कि प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशु धन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट यहां तक का जो है विभाग इनके पास था। इसके बाद स्कूली शिक्षा विभाग और सहकारिता इन्हें सौंपा गया है। स्कूली शिक्षा विभाग पहले जो है आपके प्रेम सहाय सिंह टेकाम जी के पास था। तो यहां पर विभागों का जो बंटवारा है ये फिर से हुआ है, ठीक है। ऊर्जा विभाग जो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास था, अभी किसे मिल गया है? टीएस सिंहदेव जी को। कृषि विभाग जो रविंद्र चौबे जी के पास था, वो किसे मिल गया है? वो मिल गया है ताम्रध्वज साहू जी को। एसटी एससी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग किन्हें मिला है? श्री मोहन मरकाम जी को। इससे मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री नंद कुमार साय, ऑप्शन बी श्री मोहन मरकाम, ऑप्शन सी श्री गिरीश चंदेल, ऑप्शन डी श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, फटाफट नीचे आंसर दीजिए। ऑप्शन ए श्री नंद कुमार साय, ऑप्शन बी श्री मोहन मरकाम, ऑप्शन सी श्री गिरीश चंदेल, ऑप्शन डी श्री प्रेम साय सिंह टेकाम। देखिए इसका आंसर होगा श्री नंद कुमार साय। श्री नंद कुमार साय जो कि पहले बीजेपी में थे, बाद में ये इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस में शामिल हुए। श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी जो कि 2017 से लेकर के 2020 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये हमारे प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2017 से लेकर के 2020 के मध्य ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माता द्वारा बस्तर के एक रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित फिल्म बस्तर बनाया जा रहा है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए विपुल शाह, ऑप्शन बी सुदीप्तो सेन, ऑप्शन सी विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन डी उदय सिंह मोहिते, ठीक है। ये जो आपका जो फिल्म बस्तर बन रही है ये 5 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। अभी डेट दिया गया है 5 अप्रैल 2024 को ये फिल्म रिलीज होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बस्तर के एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बनाया जा रहा है। द केरला स्टोरी के निर्माताओं के द्वारा इस फिल्म को बनाया जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक है सुदीप्तो सेन, ठीक है। निर्माता है विपुल शाह, लेकिन जो निर्देशक है यानी कि डायरेक्टर है वो है आपके सुदीप्तो सेन। विवेक अग्निहोत्री जो है ये द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर थे। और इसके डायरेक्टर कौन है आपके द जो बस्तर फिल्म बन रही है या द केरला स्टोरी जो फिल्म आपकी बन चुकी है उसके निर्देशक है सुदीप्तो सेन जी, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि आय वृद्धि, कुपोषण मुक्त अभियान, शिक्षा गुणवत्ता सुधार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। फटाफट नीचे आंसर लिखिएगा। चाक परियोजना, चाक का फुल फॉर्म क्या है? CHALK, चाक का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, ये चाक का फुल फॉर्म है। चाक जो है ये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना है, ठीक है, जिसे विश्व बैंक ने 2460 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, वित्तीय सहायता प्रदान किया है, ठीक है। जबकि प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2023-24 में 400 करोड़ रुपए की राशि इस चाक परियोजना के लिए आवंटित की है। अब ये चाक परियोजना का जो संबंध है ये शिक्षा गुणवत्ता सुधार से है, ठीक है। शिक्षा गुणवत्ता सुधार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। COVID-19 के समय जब सब चीज लॉकडाउन हो गया था, स्कूलें भी जो है आपकी बंद हो चुकी थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम आया, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का उल्टा प्रभाव हुआ, जनरल प्रमोशन हुए, बच्चों में जो है शिक्षा का स्तर गिर गया। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाया जा रहा है आपका चाक कार्यक्रम या चाक परियोजना, जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना है। विश्व बैंक के द्वारा 2460 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए प्रदान की गई है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किससे संबंधित है, शिक्षा गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन बी रवि सिन्हा, ऑप्शन सी अमित अग्रवाल, ऑप्शन डी गायब है, ठीक है, टाइप नहीं हुआ होगा, इन तीन में से ही बताना है, ठीक है। देखिए रॉ ये जो है हमारे भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इसमें हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जी को इस रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है, रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम अमित अग्रवाल जी की बात करें, अमित अग्रवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर है, जिन्हें यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड जारी करती है उसका सीईओ बनाया गया है, ठीक है, यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया है। जबकि आपके जो रवि सिन्हा है ये भी छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, जिन्हें रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 मिलियन टन कोयले का खनन करके देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। ऑप्शन ए गेवरा, ऑप्शन बी दीपका, ऑप्शन सी कुसमुंडा, ऑप्शन डी मणिकपुर, ठीक है। निम्न में से कौन सा कोयला खदान है जिसने 50 मिलियन टन कोयले का खनन किया और देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका गेवरा। थोड़ा सा ना अब थोड़ा स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फटाफट आपको चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि लगभग 150 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, 150 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। देखिए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 मिलियन टन कोयले का खनन करके गेवरा जो कि कोरबा में है, ये सभी के सभी माइंस आपके कोरबा में ही है, लेकिन कोरबा जो है ये 50 मिलियन टन कोयले का उत्खनन करके देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन चुका है। ये एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बनने के ओर अग्रसर है। अभी जो है यहाँ पर लगभग 70 मिलियन टन कोयले खनन का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है, अभी जो है इसकी अनुमति ली जा रही है। अगर यह अनुमति मिल जाती है तो ये एशिया का सबसे बड़ा कोयले का खदान बन जाएगा। अभी वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा कोयले का खदान इंडोनेशिया के संगट्टा में है, ठीक है, तो इसे याद रखना। अभी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 मिलियन टन कोयले के खनन के साथ देश का सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा बना है, यह है गेवरा कोल माइंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बंधा मतऊर मेले का आयोजन किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी कोंडागांव, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ है आपके कोंडागांव जिले में। कोंडागांव जिले में ये जो आपका बंधा मतऊर मेला है ये सबसे पहले 2008 में आयोजित हुआ था, उसके बाद शासन प्रशासन और जो माल गुजार है उनके मध्य कुछ विवाद हुआ जिसके कारण ये आपका मेला है इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक्चुअली में जो माल गुजार का मतलब होता है जमींदार, उस क्षेत्र का जो जमींदार है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालाब जिसमें मछली का पालन किया जाता है वहां पर जाकर के माँ शारदा या माँ शीतला की पूजा करने के पश्चात उस तालाब में जाकर के हाथ लगाता है, जिसके पश्चात आसपास के गाँव के लोग आकर के तालाब में उतर करके मछली पकड़ते हैं, ठीक। तो ये जो है एक प्रकार से ये एक मेला है जिसे मछली पकड़ा जाता है और ये काफ़ी चर्चा में आया इस साल। तो बस याद रखना कि बंधा मतऊर मेले का आयोजन किस जिले में हुआ, तो ये आयोजन हुआ आपके कोंडागांव जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र के जंगलों में दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी देखा गया है? ऑप्शन ए अचानकमार जंगल, ऑप्शन बी मातिरिंगा जंगल क्षेत्र, ऑप्शन सी मधेश्वर पठार जंगल क्षेत्र, ऑप्शन डी सतपुड़िया जंगल क्षेत्र। नाम से स्पष्ट है दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी, जो गिलहरी है इसमें बहुत सारे रंग है, उसमें पीला रंग है, उसमें आपका भूरा रंग है, उसमें आपका नारंगी रंग की पट्टियाँ बनी हुई है। करंट अफेयर में मैंने पूरे इमेज के साथ आपको बताया है, ठीक है। तो ये जो दुर्लभ इंद्रधनुषी जो गिलहरी है ये देखा गया है आपके मातिरिंगा के जंगलों में, मातिरिंगा सरगुजा वाले क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा के मातिरिंगा वाले क्षेत्र में इसे देखा गया है। ये एक्चुअली में महाराष्ट्र का राजकीय जीव है जिसे शेकारू कहा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है, शेकारू, ठीक। नेक्स्ट देखिए, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए
2040 प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 2143 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 2245 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 2298 रुपए प्रति क्विंटल। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर वित्तीय वर्ष क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है 2023-24। अब 2022-23 का रेट सबको याद है, और 2022-23 का रेट मत लगा देना। ये जो है आपका ऑप्शन ए है 2040 रुपए, ये सामान्य धान का रेट था वित्तीय वर्ष 2022-23 का। यहां पर 2023-24 का रेट पूछ रहा है, नया लिस्ट आ चुका है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, करंट अफेयर के बुक में मैंने उस रेट को शामिल किया हुआ है, ठीक है। जिनके पास अपडेशन नहीं होगा तो नेट में सर्च करके अपडेट कीजिएगा या करंट अफेयर के बुक से जाकर के पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी 2022-23 का है, 2023-24 को आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है। तो इस साल के लिए यानी कि नवीनतम आपके विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो ग्रेड ए में कुछ नहीं 20 रुपए और जोड़ देना, यानी कि आपका 2203 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुआ में किस दल ने स्वर्ण पदक जीता। हमारे छत्तीसगढ़ से भी जो है आपके खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ठीक है। तो किस दल ने, छत्तीसगढ़ के किस दल ने इसमें स्वर्ण पदक जीता पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम, छत्तीसगढ़ महिला मलखम टीम, छत्तीसगढ़ पुरुष फुटबॉल टीम, छत्तीसगढ़ पुरुष मलखम टीम। तो इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में पहला मिलेट्स कैफे किस स्थान पर स्थापित किया गया, अंबिकापुर सरगुजा, किरोड़ीमल रायगढ़, कोडेनार बस्तर, और डी है आपका चंद्रपुर शक्ति। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र का, जबकि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे जो है ये रायगढ़ में खोला गया, ठीक है, रायगढ़ में। तो यहां पर ध्यान देना, अगर केवल बस प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहां खोला गया तो आंसर होगा रायगढ़, शहरी क्षेत्र का पहला मिलेट कैफे कहां खोला गया तो रायगढ़। अब यहां पर बोला जा रहा है ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे खोला गया है आपके कोडेनार बस्तर में, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्डिंग पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 उत्कृष्ट प्रदर्शन आकांक्षी जिलों में नारायणपुर कौन से स्थान पर रहा, यह डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो बस याद रख लेना कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन में आकांक्षी जिलों की सूची में हमारा नारायणपुर दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर पांडुवंशीय कालीन ध्यानी बुद्धा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि पांडुवंशीय कालीन है, ठीक है, सिरपुर के सोमवंश या पांडुवंश, पांडुवंशीय कालीन जो है ये आपकी प्रतिमा है जो कि छठवीं सदी के आसपास की ये प्रतिमा मानी जाती है। ये मिला है आपके सोंडरा ग्राम रायपुर से यह प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ठीक है, सोंडरा ग्राम रायपुर से यह प्रतिमा प्राप्त हुआ है, इसको भी याद रख लेना। ये जो ध्यानी बुद्धा की जो प्रतिमा है ना, ये त्रिस्तरीय संरचना है, यानी कि इसमें पत्थर को एक के ऊपर एक रख करके उसे चिपका करके बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्रदेश में जो है आपके ध्यानी बुद्धा की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, रायपुर जिले के सोंडरा ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। अभी तो पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा होगा कि ऐसे चांदी के सिक्के या मुगल कालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, ऐसा क्वेश्चन बनता है क्या, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहले बन चुका है। एक बार का प्रश्न बना था कि किस स्थान पर खंबे के लिए किए गए खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए, तो खंबे के खुदाई के दौरान जब सिक्के प्राप्त हुए ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आएगा, मैं इसका दावा नहीं करता, बिल्कुल भी मैं इसका दावा नहीं करता कि जो क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं ये आएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। करंट अफेयर जो आपने अभी तक तैयार किया है वो आपसे बन रहा है या नहीं, क्वेश्चन सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट करके कभी नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है लगभग 1700 से 1800 ईस्वी के आसपास का
मुगल कालीन सिक्का जो कि प्राप्त हुआ है आपके राजनांदगांव के डोंगरगांव से, ठीक है, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से यह सिक्का प्राप्त हुआ है। यह सिक्का जो है यह अहमद शाह बहादुर का है, ठीक है, अहमद शाह बहादुर का यह सिक्का है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, घोटुल निम्न में से किस जनजाति का एक युवा गृह है? फर्स्ट उराव, सेकंड मुड़िया, थर्ड आपका धुरवा और फोर्थ है आपका बिरहोर, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, घोटुल लिखा है, पहले इसे कहा जाता था आपका घोटुल, ठीक है, क्या कहा जाता था, घोटुल, यानी कि GHOTUL घोटुल कहा जाता था। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है, घोटुल। अब देखो यहां पे घोटुल है, यहां पे घोटुल है, जिन्हें पता नहीं होगा तो वो ये सोचेंगे कि ये कोई आपका नया युवा गृह है और ये किस जनजाति का है। ये जो है आपके मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। मुड़िया जनजाति में घोटुल का जो देवता है इसे कहा जाता है लिंगोपेन को, लिंगोपेन जो कि घोटुल के देवता है, ठीक है। इस घोटुल में आकर के अविवाहित युवक एवं युवतियां इस घोटुल में आकर के अपने जनजाति संबंधी सामाजिक धार्मिक परंपराओं का प्रशिक्षण लेती है, ठीक है। यहीं इसी होटल में आकर के वो अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। यहां पर अविवाहित युवक एवं युवतियां प्रवेश लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस घोटुल को। इस घोटुल में जो है आपके सदस्यों को चेलिक, मोटियारिन जो प्रमुख है उन्हें सिरेदार, बेलोसा ये कहा जाता है। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, बस याद रखना कि ये जो है इसे किस जनजाति का युवा गृह है, ये मुड़िया जनजाति का एक युवा गृह है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में रामपुर जलाशय में लिथियम भंडारण होने की पुष्टि हुई है। यह जलाशय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए महासमुंद, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बलौदा बाजार। देखिए अभी हाल ही में जो है यानी कि पिछले साल नहीं, इस साल के स्टार्टिंग में ही जो है आपके जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडारण, हमारे भारत में सबसे बड़े लिथियम का भंडारण मिला है आपके जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली नामक स्थान पर 59 लाख टन, ठीक है, रियासी जिले के सलाल कोटली क्षेत्र में लगभग 59 लाख टन हमारे भारत में सर्वाधिक लिथियम का भंडारण ये मिला है आपके जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटनी कोटली नामक स्थान पर, ठीक है। ये जो लिथियम का उपयोग है ना, ये आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। हमारे प्रदेश के रामपुर जलाशय में लिथियम भंडारण होने की पुष्टि है। ये जो लिथियम का जो भंडारण है ये मिला है आपके कोरबा में, ठीक है, कोरबा जिले में मौजूद है आपका रामपुर जलाशय जहां पर लिथियम भंडारण होने की पुष्टि मिली है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर 12वीं-13वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखित प्राचीन खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आरंग रायपुर, ऑप्शन बी पचराही कवर्धा, ऑप्शन सी मारोद बेमेतरा, ऑप्शन डी पिथौरा महासमुंद। ये प्राप्त हुआ है आपके मारो बेमेतरा में। इसमें कुल आपके 7 पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियों में से 6 पंक्ति पूर्ण है, 7वीं पंक्ति अधूरी है जिसमें देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, ठीक है, इसे याद रख लेना। संस्कृत और नागरी लिपि में लिखित प्राचीन खंडित शिलालेख, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से सोमवंशीय कालीन 9वीं-10वीं शताब्दी के शिव मंदिर, खंडित नंदी, द्वार शाखा आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सिरपुर महासमुंद, ऑप्शन बी राजिम गरियाबंद, ऑप्शन सी तरतीघाट दुर्ग, ऑप्शन डी डमरू बलौदा बाजार। तो ये प्राप्त हुआ है आपके सिरपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरपुर से हमें 9वीं-10वीं शताब्दी के सोमवंशीय कालीन प्राचीन शिव मंदिर, खंडित नंदी, द्वार शाखा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 84वां स्थापना दिवस किस स्थान पर आयोजित हुआ? करणपुर, बस्तर, माना, रायपुर,
पेंगदाली बीजापुर और आपका गनियारी बिलासपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। हमारा छत्तीसगढ़ देश में फोर्थ नंबर पर है जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आयोजित हुआ है। अब तक मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही यह स्थापना दिवस आयोजित होता आ रहा था। 84वां स्थापना दिवस आयोजित हुआ है आपके करणपुर बेस कैंप में। इस बस्तर जिले के करणपुर बेस कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे इस स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रदेश के 5वीं विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है। हमारे प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 90। इन 90 विधायकों में से 16 विधायक जो है ये महिला है। ठीक है, हमारे प्रदेश की जो 5वीं विधानसभा है, जो वर्तमान विधानसभा है, उनमें 90 में से 16 महिला विधायक है, यानी कि 16 महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है। प्रदेश की वर्तमान 14 नगर निगमों में से कुल कितने नगर निगम में महिला महापौर का प्रतिनिधित्व है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर देखिए, टोटल पाँच आपके नगर निगम में महिला महापौर का प्रतिनिधित्व है। अगर इसको याद रखना है तो याद रखने का तरीका क्या है? RRCJ, आर से राजनांदगांव, एक आर से रायगढ़, एक आर से याद रख लेना रिसाली, सी से चिरमिरी और जे से जगदलपुर। तो ये पांच नगर निगम है जहां पर महिला महापौर का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में संचालित किस एक योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसे अवार्ड से ना एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 ये किस योजना को प्राप्त हुआ है हमारे प्रदेश में? ऑप्शन ए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मितान योजना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, ऑप्शन डी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। तो ध्यान देना, ये मिला है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को। नेक्स्ट है, प्रदेश के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो हमारे प्रदेश के कुल 3 विभूतियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक है आपकी उषा बार्ले जी जो कि पंडवानी कलाकार है, एक है आपके अजय मांडवी जी जो कि काष्ठ कलाकार है, और एक है आपके डोमर सिंह कुंवर जी जो कि बालोद जिले के निवासी है, जो नाचा कलाकार है। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री 2023 से सम्मानित कलाकार उषा बार्ले जी का संबंध किस कला क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पंथी कलाकार, ऑप्शन बी नाचा कलाकार, ऑप्शन सी पंडवानी कलाकार, ऑप्शन डी काष्ट कला शिल्पी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उषा बार्ले जी पंडवानी कलाकार है जो कि भिलाई दुर्ग जिले की निवासी है। अगर डोमार सिंह कुंवर जी की बात करें तो डोमार सिंह कुंवर जी बालोद जिले के निवासी है जो कि नाचा कलाकार है, और अजय मांडवी जी जो कि कास्ट शिल्पी है। ये तीनों का नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन तीन कलाकारों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ को प्राप्त पद्म पुरस्कारों सभी श्रेणियों की कुल संख्या कितनी है? 24, 26, 28, 30। यहाँ पे पद्म पुरस्कारों की सभी श्रेणियों की बात हो रही है। सभी श्रेणी का मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये आपके पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ हैं। तो अब तक हमारे छत्तीसगढ़ में अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण 1 मिला है, पद्म भूषण 1 मिला है और पद्मश्री मिला है 26। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 28। ठीक है, हमारे प्रदेश की एकमात्र महिला व्यक्तित्व है, या प्रदेश की एकमात्र व्यक्तित्व है, चाहे महिला वर्ग हो या चाहे पुरुष वर्ग हो, हमारे प्रदेश की एकमात्र व्यक्तित्व है तीजन बाई जी, जिन्हें पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियों से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है? एक चुप्पी जगह, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे गवई के गीत। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल जी को हाल ही में पेन इंडिया इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनके कौन कौन से साहित्य है या इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके नाम को थोड़ा सा याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां अगर हम ऑप्शन पर ध्यान दें तो एक चुप्पी जगह, नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखेंगे, ये सभी के सभी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। जबकि गवई के गीत जो है ये विमल कुमार पाठक की रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम पंचायत 2023 के अंतर्गत नागम को किस श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी, ऑप्शन बी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत श्रेणी, ऑप्शन सी पंचायत सशक्तिकरण श्रेणी, ऑप्शन डी ग्रामीण उन्मूलन आजीविका श्रेणी। तो देखिए, इस नागम को जो है, ये जो नागम पंचायत है ये आता है सरगुजा जिले के अंतर्गत, सरगुजा जिले के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत है। इसे ग्रामीण उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी का सम्मान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के दो पंचायतों को, एक ग्राम पंचायत नागम जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, इसे ग्रामीण उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी का सम्मान दिया गया है, और दूसरा है आपका स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी का सम्मान, ये प्राप्त हुआ है आपके सांकरा नगर पंचायत को जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, धमतरी जिले के सांकरा नगर पंचायत को स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के दो पंचायतों को, एक नागम जो कि सरगुजा जिले का है, नागम ग्राम पंचायत को ग्रामीण उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी, जबकि स्वास्थ्य पंचायत श्रेणी का सम्मान सांकरा धमतरी नगर पंचायत को प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, रेखा अब्राहम कुजूर और ब्रिजमोहन साहू। तो ध्यान दीजिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया। ये जो सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड है, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी है, इन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये कोंडागांव जिले के निवासी है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जो कि माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह चलाते हैं। ठीक है, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह चलाया जाता है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के द्वारा। हाल ही में ये न्यूज़ में और बने हुए थे क्योंकि इन्होंने अपने खेत में जो उर्वरक हो गया या कीटनाशक हो गया, इसके छिड़काव के लिए ये खरीद रहे हेलीकॉप्टर, 7 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर की डील किए हैं। ठीक है, तो हमारे प्रदेश में जो प्रदेश के जो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी है, इन्हें 5 बार देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका नाम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रदेश के कितने शहीदों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। देखिए, इसमें जो है शहीद दीपक भारद्वाज, शहीद सोढ़ी नारायण, शहीद श्रवण कश्यप। ठीक है, शहीद दीपक भारद्वाज, शहीद सोढ़ी नारायण और शहीद श्रवण कश्यप, इन्हें जो है मरणोपरांत नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस एवं बलिदान के लिए कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किस जिला प्रशासन वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऐसे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में जो है आपके बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किस जिले में लमनी बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए बेमेतरा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी खैरागढ़ छुईखदन गंडई। लमनी बर्ड पार्क, ये जो है आपके एक पक्षी विहार है, यहाँ पर बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये किस जिले में है? ये आपके बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में मौजूद है आपका लमनी बर्ड पार्क। 25 जनवरी 2023 को इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। ये जो लमनी बर्ड पार्क है, यहाँ पे 450 प्रजाति के पक्षियों को रखे जाने की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा जलाशय क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 2019, ऑप्शन बी वर्ष 2020, ऑप्शन सी वर्ष 2021, ऑप्शन डी वर्ष 2022। देखिए, अभी 2023 में जो है पक्षी महोत्सव का आयोजन तो हुआ है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है प्रथम पक्षी महोत्सव का, यानी कि पहली बार कब मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के पहले पक्षी महोत्सव का जो आयोजन है, ये वर्ष 2021 में आयोजित हुआ। वर्ष 2021 में 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2021 तक, ठीक है, इस प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा जलाशय क्षेत्र में इस पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, केवल करंट अफेयर में जैसे 2023 चला, तो 2023 के ही हम फैक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में ना जो पहली बार जो आयोजन हुआ था, चाहे वो देखिए 2 साल पहले हुआ या 3 साल पहले हुआ, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है। ये आया हुआ है 2022 के एग्जाम में, 2021 में जो आयोजित हुआ था पक्षी महोत्सव, उसका क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में नारंगी चमगादड़ ऑरेंज बैट देखा गया है? सीता नदी वन क्षेत्र, उद्यंती वन क्षेत्र, कांगेर वैली वन क्षेत्र, बारनवापारा वन क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा कांगेर वैली, कांगेर घाटी वन क्षेत्र, बस्तर। इस कांगेर घाटी वन क्षेत्र में ना और भी बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के जीव देखे गए हैं, आगे एक एक करके हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑरेंज बेट यानी कि नारंगी रंग का जो चमगादड़ है, चमगादड़ जनरली काले कलर के होते हैं, नारंगी कलर का चमगादड़ देखा गया है कांगेर घाटी वन क्षेत्र बस्तर में। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा फोर हॉर्न्ड एंथेलोप देखा गया है? ठीक है, यानी कि चौसिंगा, चार सिंग, देखिए ये जो चौसिंगा है, ये चार सिंग वाला हिरण की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है जिसके चार सिंग होते हैं। ऑप्शन ए अचानकमार वन क्षेत्र, ऑप्शन बी उद्यंती वन क्षेत्र, ऑप्शन सी कांगेर वैली वन क्षेत्र, ऑप्शन डी इंद्रावती वन क्षेत्र। तो ये देखा गया है आपके कांगेर घाटी वन क्षेत्र में। ठीक है, कांगेर वैली वन क्षेत्र में, कांगेर वैली वन क्षेत्र में ऑरेंज बैट यानी कि नारंगी चमगादड़ भी देखा गया है, यहां पर चौसिंगा चार सिंग वाला हिरण भी देखा गया है। ऋषि झरन जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी महासमुंद। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपके गरियाबंद जिले में। ठीक है, ऐसे जलप्रपात से ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, गरियाबंद जिले में है आपका ऋषि झरन जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, बिल द्वार गुफा किस जिले में है? बिल द्वार गुफा, ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सूरजपुर, ऑप्शन डी जशपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बिल द्वार गुफा है ना, बिल द्वार गुफा आपके सूरजपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए दुर्ग जिला, ऑप्शन बी कवर्धा जिला, ऑप्शन सी बेमेतरा जिला, ऑप्शन डी बस्तर जिला। तो ये आपका पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र, ये बेमेतरा जिले में प्रस्तावित है। बेमेतरा जिला, जहां पर प्रदेश के पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था, उसी क्षेत्र में पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र प्रस्तावित है। ठीक है, ये सब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे बताने के लिए कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है।
गुडरी जलप्रपात, गुडरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कांकेर जिला, गरियाबंद जिला, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला या रायगढ़ जिला? तो जो गुडरी जलप्रपात है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? बलरामपुर जिला, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला या नारायणपुर जिला? देखिए जो उपाल नदी है ना ये नारायणपुर जिले में प्रवाहित होती है। इस उपाल नदी के ऊपर एटेक छाड़ जलप्रपात भी है, ठीक है, जलप्रपात, यही प्रश्न बन सकता है। एटेक छाल जलप्रपात किस जिले में है? ये नारायणपुर जिले में है। किस नदी के ऊपर है? उपाल नदी के ऊपर यह जलप्रपात स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांदावाड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मुनगाबहार नदी, ऑप्शन बी खुरसेल नदी, ऑप्शन सी जातलूर नदी, ऑप्शन डी गोयदर नदी। तो जो हांदावाड़ा जलप्रपात है इसे छत्तीसगढ़ का बाहुबली जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम मुनगाबहार नदी की बात करें तो यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, हमारे प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा कि जो हांदावाड़ा जलप्रपात है ये गोयदर नदी, ठीक है, गोयदर नदी के ऊपर स्थित है यह हांदावाड़ा जलप्रपात। और किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो नारायणपुर जिले के गोयदर नदी में यह हांदावाड़ा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? बस्तर जिला, जशपुर जिला, बिलासपुर जिला, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। तो देखिए घाटियों से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो जो केंदा घाटी है, केंदा घाटी आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में हिरण प्रजाति का सबसे छोटा माउस डियर, ठीक है, हिरण प्रजाति का सबसे छोटा माउस डियर किस वन क्षेत्र में देखा गया? अचानकमार वन क्षेत्र, उद्दंती वन क्षेत्र, कांगेर वैली वन क्षेत्र, इंद्रावती वन क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा ये देखा गया कांगेर वैली वन क्षेत्र। कांगेर घाटी वन क्षेत्र में तीन दुर्लभ प्रजाति के वन जीव, एक तो माउस डियर, डियर देखिए ये जो डियर है ये भी आपका हिरण की एक प्रजाति है जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, इस कारण से इन्हें माउस डियर कहा जाता है। वैसे ही चौसिंगा ये भी हिरण की एक प्रजाति है जिसके सिर के ऊपर चार सिंग होते हैं, ये भी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ही देखा गया। और एक है आपका नारंगी चमगादड़, जो कि आपका चमगादड़ काले कलर के होती है, नारंगी रंग का है, ऑरेंज कलर का है, ये भी देखा गया आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बलरामपुर जिले में स्थित केनापारा ब्लॉक में किस खनिज का भंडारण है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी ग्लूकोनाइट। देखिए बलरामपुर जिले में स्थित है एक ब्लॉक, एक खनिज का माइंस है जिसका नाम क्या है, केनापारा। केनापारा ब्लॉक, यहां पर ग्रेफाइट खनिज का भंडारण है। हाल ही में केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक का ई नीलामी हुआ और इसे अलॉट किया गया है मां कुदुरगढ़ स्टील प्राइवेट लिमिटेड को यह ब्लॉक अलॉट किया गया है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि केनापारा ब्लॉक में किस खनिज का भंडारण है, ग्रेफाइट खनिज का भंडारण है। यह ग्रेफाइट भंडारित केनापारा ब्लॉक किस जिले में स्थित है पूछा जाएगा, तो यह बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव, कांकेर, तुरेनार बस्तर, वृंदावन राजनांदगांव, खोखरा कोरबा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क ये स्थापित किया गया है आपके स्थापित किया जा रहा है तुरेनार बस्तर में, ठीक। तुरेनार बस्तर में प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगर वृंदावन राजनांदगांव की बात करें तो ये जो है गौठान है, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान जो कि वृंदावन राजनांदगांव जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क ये बस्तर जिले के तुरेनार में, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, एक तरफ खनिजों का नाम है, दूसरे तरफ उनका भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। लिथियम का भंडारण कहाँ है? देखिए अभी हाल ही में ना, जब से जम्मू कश्मीर में लिथियम खनिज की खोज हुई है, लिथियम के भंडारण का पता चला है, उसके बाद लिथियम एकदम हाईलाइट में है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। हमारे प्रदेश के किस जिले में लिथियम का भंडारण है पूछा जाए, तो स्पेशली कोरबा याद रखना। कोरबा जो कि कोयले के भंडारण में अग्रणी है, कोरबा का ही नाम याद रखना, कोरबा में जो है आपका लिथियम का भी भंडारण है, और भी एक दो जिलों में है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको कोरबा का नाम याद होना चाहिए। जो आपका रामपुर जलाशय क्षेत्र है ये भी कहां पर प्राप्त हुआ है, कोरबा में प्राप्त हुआ है। तो देखिए लिथियम का जो भंडारण है ये कोरबा, दूसरा है मैग्नीज का भंडारण जो है ये है आपका कमरकोल, हीरे का भंडारण जो है ये है बेलमुंडी, और ग्रेफाइट का जो भंडारण है ये है मुरका
बसेरा, ठीक है, मुरका बसेरा। अगर हम बात करें जैसे लिथियम भंडारण, कटघोरा, कटघोरा कहां पर है? कोरबा में, कोरबा में। दूसरा मैग्नीज भंडारित क्षेत्र कमरकोल, ये कहां पर है? ये है आपके बिलासपुर में। बेलमुंडी कहां पर है? महासमुंद में। और ग्रेफाइट भंडारित क्षेत्र, ग्रेफाइट भंडारित क्षेत्र है आपका बलरामपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोकेशन को याद रखना। बलरामपुर जिसका हमेशा ग्रेफाइट के भंडारण में आप नाम सुनेंगे। अभी इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, कौन सा? आपका केनापारा ब्लॉक, यहाँ पे भी ग्रेफाइट का भंडारण बलरामपुर में है। वैसे लिथियम का भंडारण का अगर नाम आएगा तो सबसे पहले आपका माइंड जो है कोरबा में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4321 ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई? ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है लेकिन इसको याद रखना। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत 1 मई 2022, 20 जून 2022, 28 जुलाई 2022, 2 अक्टूबर 2022। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर। इसके तहत प्रथम चरण में लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फेज प्रथम चरण में। इसे रीपा कहा जाता है, रीपा योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में, एक विकास खंड में कम से कम 2 आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कुल कितने इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे? आंसर मैंने आपको बता दिया है, 300 इंडस्ट्रियल पार्क इसके तहत जो है स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मोती उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? कबीरधाम जिला, सरगुजा जिला, बलौदा बाजार जिला और गरियाबंद जिला। इसका आंसर होगा आपका बलौदा बाजार जिला। यहाँ के कुल 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए रेडियो मितान, ऑप्शन बी रेडियो संगवारी, ऑप्शन सी रेडियो चिन्हारी, ऑप्शन डी रेडियो छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा आपका रेडियो संगवारी। इसे बताने के लिए कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट, छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का नाम क्या है? मितान टीवी, सुपर टीवी, संगवारी टीवी, चिन्हारी टीवी। तो इस सैटेलाइट एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का नाम क्या है? संगवारी टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है कब से कब तक? 2020 से 2025, 21 से 26, 22 से 27, 23 से 28। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का जो पहला महिला उद्यमिता जो नीति है ये लागू किया गया है 2023 से लेकर के 2028 तक, ठीक है, इसको याद रखना। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक यह नीति लागू रहेगा। ये पूरा डेट के साथ याद रखना, ठीक है। ये भी प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति ये किस तिथि को लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से यह लागू है। कब तक लागू रहेगा? 31 मार्च 2028 तक यह लागू रहेगा, ठीक, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? किस अवसर पर किया गया? हरेली पर्व, माटी तिहार, कृष्ण जन्माष्टमी, विश्व वानिकी दिवस। कई बार हम केवल डेट पर फोकस करते हैं लेकिन उस डेट में कौन सा विशेष दिन था, कौन सा विशेष अवसर था, इस पर हम फोकस नहीं करते। देखिए, ये जो आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 21 मार्च 2023 से इस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत जो है 12 प्रकार के वाणिज्यिक वृक्ष की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल टाइप, जैसे कि साल, सागौन, साजा, बीजा, नीलगिरी, जिसे बेच करके आय, एक जो है धन का अर्जन किया जा सकता है, जिससे बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, इसे कहा जाता है वाणिज्यिक श्रेणी के या वाणिज्यिक प्रजाति के वृक्ष। जैसे कि साल, सागौन, साजा, बीजा, ये सभी के सभी क्या है? इमारती लकड़ी है, इसे बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। तो कुल 12 प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा इस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत। इसके तहत जो है 5 एकड़ तक वृक्ष के रोपण में 100% वित्तीय अनुदान, 5 एकड़ की से अधिक भूमि पर अगर वृक्षों का रोपण किया जाता है तो उसमें 50% का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा,
ठीक है, इस पर भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। तो जिस डेट को ये लागू किया गया था उस दिन था आपका विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 2023, 18 फरवरी 2023, 23 मार्च 2023, 13 अप्रैल 2023। तो देखिए, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के में आने वाले ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, यानी कि अगर साधारण शब्द में हम बात करें तो आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र, तो आदिवासियों की जो तीज त्यौहार पर्व है उसके गरिमामय आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी जगदलपुर से 13 अप्रैल 2023 से। जगदलपुर बस्तर से इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रियंका गांधी जी शामिल हुई थी इसमें। तो इसे याद रखना, किस डेट से यह शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2023 से यह शुरू किया गया। इस मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये 2 किस्त में प्रदान किया जाएगा, ताकि वो अपने तीज त्यौहार पर्व का गरिमामयी तौर पर आयोजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई? एक तो है आपका मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। जो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना जो हमने पहले पढ़ा है, जो 13 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, यानी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है आदिवासी। और ये जो छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि बाकी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के में जो है तीज त्यौहार पर्व के गरिमामयी आयोजन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। कब से की गई? 26 जनवरी 2023, 20 फरवरी 2023, 12 अप्रैल 2023, 20 अप्रैल 2023। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 अप्रैल 2023 को। कहां से शुरू हुआ ये? जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने निवास से वर्चुअली, ठीक है, अपने निवास स्थान से या मुख्यमंत्री के अपने मंत्रालय से बैठ करके बटन दबा करके इसका उद्घाटन किए हैं, ठीक है, किसी स्थान पे जाकर के इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। इसमें भी ग्राम पंचायतों का चयन करके 10,000 रुपये 2 किस्त में, 5,000 रुपये करके 2 किस्त में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु ग्राम पंचायतों को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी? तो देखिए, अभी मैंने बताया है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसको याद रखना। देखिए, जहां पर छत्तीसगढ़ी पर्व आएगा ना, तो वो किसके लिए है? गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। गैर अनुसूचित क्षेत्र, ये जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपका स्टेटमेंट में दे देगा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना अनुसूचित क्षेत्रों में पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन से संबंधित है। ये किसके लिए है? ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो इसमें भी जो है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 10,000 रुपये 2 किस्त में प्रदान किया जाएगा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5, ठीक है। इसका मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक विकास खंड में 2 आपके रीपा की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति किस तिथि को लागू की गई? अभी मैंने आपको बताया 2023 से लेकर के ये कब तक लागू है? ये लागू है आपके 2028 तक, ठीक है, 5 साल के लागू होता है, तो ये 5 साल के लागू है। और कब से लागू हो रहा है? 1 मार्च 2023 से यह लागू है, जो कि 31 मार्च 2028 तक यह लागू रहेगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सरस्वती साइकिल योजना हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक पात्रता होनी आवश्यक है। देखिए, सरस्वती साइकिल जो योजना है, इसमें SC ST एवं BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो परिवार है उनकी बालिकाओं को शाला आने जाने के लिए साइकिल वितरण किया जाता है। हाल ही में ये चर्चा में फिर से आया, क्योंकि अब इसमें छात्राओं के साथ साथ, यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी साइकिल का वितरण किया जाएगा, ऐसे प्रदेश सरकार योजना बना रही है। ये जो आपका वितरण है, ये 9वीं कक्षा के अध्ययनरत छात्राओं को इस साइकिल का वितरण किया जाता है। अभी योजना बनाया जा रहा है, इसे अभी लागू नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सरकारी सेवाओं की घर पहुंच
सुविधाओं के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मितान योजना का मितान टोल फ्री नंबर क्या है? ऑप्शन ए 15454, ऑप्शन बी 14545, ऑप्शन सी 15353, ऑप्शन डी 13535। देखिए मितान योजना का टोल फ्री नंबर क्या है, सभी नंबर को देखेंगे तो सभी के सभी सिमिलर लगते हैं, ठीक है, तो इसको लेकर एक कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। 14545 ये जो है मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर है, जो कि 1 मई 2022 से इसे लागू किया गया था, ठीक है। इसमें इसका अगर हम करंट अफेयर में अपडेट करें तो देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना जो कि प्रदेश के 14 नगर निगमों में लागू किया गया, ठीक है, प्रदेश के 14 नगर निगमों में सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब हाल ही में करंट अफेयर में अपडेट आया है कि इसमें 44 नगर पंचायतों नगर पालिकाओं में 44 नगर पालिकाओं में भी इसे लागू किया जाएगा, ठीक है, प्रदेश के 44 नगर पालिकाओं में भी इसे लागू किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदेश के बेरोजगारों को कितनी राशि प्रदान की जा रही है? 2000 रुपये प्रतिमाह, 2500 रुपये प्रतिमाह, 3000 रुपये प्रतिमाह, 5000 रुपये प्रतिमाह, ठीक है, इसका आंसर सभी को पता ही होगा 2500 रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य छत्तीसगढ़ खनिज विकास छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्य की भागीदारी क्रम 2021-22 में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो ध्यान दीजिएगा, जो खनिज विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 जारी किया गया उसमें खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी के क्रम में 2021-22 में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है आपका राजस्थान, और तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर है उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट में है आपका उड़ीसा और थर्ड में है राजस्थान, और सेकंड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के किस खनिज से सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त हुई? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका आंसर होगा आपका लौह अयस्क, जिससे सर्वाधिक खनिज सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के किस जिले से सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त हुई? तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से प्राप्त हुई, लौह अयस्क से, और लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण और उत्खनन कहां से होता है, दंतेवाड़ा जिले से। तो इसमें डायरेक्ट लॉजिक लगा करके अपना आंसर लेना, दंतेवाड़ा जिला जहां से सर्वाधिक जो है रॉयल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 में शामिल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में से किस टाइगर रिजर्व की स्थिति अन्य सबसे बेहतर थी? देखिए ऑप्शन ए अचानकमार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी उदयंती सीतानारी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देखिए ये जो आपका अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जो 2022 जारी किया गया उसमें गुरु घासीदास एवं तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व शामिल नहीं था। इसे ये जो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये हमारे प्रदेश का चौथा, ठीक है, हमारे प्रदेश का चौथा और देश का इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व है। इन तीन की जो है रैंकिंग, इन तीन की स्थिति शामिल की गई थी, रैंकिंग तो आया ही नहीं है, इन तीन में जो है सबसे बेहतर स्थिति में है आपका अचानकमार टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये गुड स्थिति में है, गुड स्थिति, फेयर स्थिति, ऐसे अलग अलग स्थिति आया था, तो तीनों टाइगर रिजर्व में से सबसे बेहतर स्थिति में है आपका अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है इसे भी याद रख लेना। आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का है? देश का 53वां और हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई, ये भी छत्तीसगढ़ खनिज विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के आंकड़े हैं। 11,850, 12,305, 12,991, 13,565। तो ध्यान दीजिएगा 12,941 रुपये की जो राशि है ये प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ खनिजों से कुल खनिज राजस्व के रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य
में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक बाघ है। ये हमारे भारत देश का टाइगर स्टेट है, ठीक है। अगर हम अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट की बात करें तो हमारे इस आपके रिपोर्ट के आधार पर भारत में 3167 बाघ है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 200 बाघों की वृद्धि हुई है, ठीक है। 200 बाघों की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 6.7% का इंक्रीमेंट हुआ है बाघों की संख्या में, ठीक। तो इस डाटा को भी याद रखना, पहले बाघों की संख्या थी 2967, 200 बाघ बढ़े, अब हो गया है 3167। हमारे छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो वो है 19 बाघ। इस बार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है उसके आंकड़े आए ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? मैंने अभी आपको बताया है 2226, 2967, 3167, 3284। आंसर क्या होगा? 3167। पहले कितना था? पहले था आपका 2967, जिसमें 200 बाघों की वृद्धि हुई है, ठीक है। 200 बाघों की वृद्धि हुई है, और अभी कितना है बाघों की कुल संख्या? बाघों की कुल संख्या है आपका टोटल 3167, ठीक। हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कुल कितने बाघों की वृद्धि दर्ज की गई है? 131, 157, 193, 200, ठीक है। तो कितने की वृद्धि दर्ज हुई है? 200 बाघों की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टोटल 6.7% की जो है आपकी वृद्धि दर्ज की गई है, 200 बाघों की वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत अभियान रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो देखिए, ये जो आपका एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, इसमें आयरन एवं फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है एनीमिया मुक्त बनाने के लिए। महिलाओं में जो है एनीमिया की समस्या ज़्यादा है हमारे प्रदेश में, तो इस एनीमिया मुक्त अभियान यानी कि आयरन एवं फोलिक एसिड सप्लीमेंट में सप्लीमेंट की सप्लाई करने में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में तीसरे स्थान पर है। डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति तीसरे स्थान पर है। सबका डिटेलिंग हमने हर महीने करंट अफेयर में किया हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह भी आपका अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2023 से ही रिलेटेड है। तो देखिए, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जो है यह जारी किया गया था कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। कर्नाटक के मैसूर में जो है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट को तो जारी किया गया ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी उद्घाटन किया गया। इसके तहत जो है बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा का संरक्षण किया जाएगा। यानी कि आपके कैट, कैट मतलब बिल्ली की श्रेणी में जितने भी आपके जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सभी सभी क्या है, बिल्ली की प्रजातियाँ हैं। तो बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा आदि के संरक्षण से संबंधित है यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 97। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई दिव्यांगता जनगणना 2022-23 में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस जिले में है? बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला, जांजगीर चांपा। देखिए, छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगता जनगणना 2022-23 के आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत हमारे प्रदेश में दिव्यांगों की कुल संख्या है 7.70 लाख, ठीक है, 7.70 लाख। इस जनगणना में टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई थी, यानी कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था। इसके तहत हमारे प्रदेश में 7.70 लाख दिव्यांग मौजूद है, सर्वाधिक दिव्यांग मौजूद है आपके जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों की उनकी क्षमता के आधार पर जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है?
थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। तो देखिए, ये जो आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानूनी सहायता आदि इसमें पैमाने रखे जाते हैं। इन सभी पैमानों में अगर देखा जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 90वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है कर्नाटक, ठीक है। भारत सरकार के कोल मंत्रालय द्वारा जारी 5-स्टार रेटिंग पैमाने में प्रदेश के किस एकमात्र कोयले खदान को रखा गया है? मणिपुर, दीपका, बंगवार और गेवरा। तो देखिए, कोल मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जो है आपका 5-स्टार यानी कि अलग अलग जो आपके कोयले के खदान आते हैं कोल मंत्रालय के अंतर्गत, उसको रेटिंग दिया गया है, ठीक है। उन्हें जो है आपका रेटिंग प्रदान किया गया है, 5-स्टार रेटिंग, 3-स्टार रेटिंग, 2-स्टार रेटिंग, 1-स्टार रेटिंग। तो 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला हमारे प्रदेश का एकमात्र कोयले का खदान है बंगवार। ये कहाँ पर है? ये है आपके कोरबा जिले में। ये भी एक आपका भूमिगत कोयले का खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी मजदूर साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर साक्षरता दर कितनी है? नेशनल लेवल पर यहाँ पर मजदूरों की साक्षरता दर, देखिए लिटरेसी रेट पूछ रहा है, लेकिन किसकी पूछ रहा है? लेबर्स की पूछ रहा है, मजदूरों की साक्षरता दर पूछ रहा है, ठीक है। 58.3, 52.1, 47.8 और 41.3। तो अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहा है, तो अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों की साक्षरता दर है 41.3%। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी मजदूर साक्षरता दर 2022 में छत्तीसगढ़ की मजदूर साक्षरता दर कितनी है? 49.8, 51.2, 43.6 और 39.2। तो छत्तीसगढ़ का कितना है पूछा जाए, तो छत्तीसगढ़ का है 49.8। पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश 58.1% के साथ, और सेकंड नंबर पर है सिक्किम 58% के साथ, और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये तीसरे स्थान पर है 49.8% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 संपन्न हुआ, ये किस से किस तिथि तक आयोजित हुआ पूछा जा रहा है। ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया, ये प्रदेश सरकार के द्वारा लाई जा रही योजनाओं को प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए और साथ ही साथ इस सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश सरकार उन लोगों को चिन्हांकित करेगी। और देखिए, इसके अंतर्गत जो है घर घर जाकर के इसमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा और डाटा के आधार पर प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं पर कार्य करेगी। तो प्रदेश सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो है ये 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक यह सर्वेक्षण संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट 2021 की सूची में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? बालोद जिला, धमतरी जिला, राजनांदगांव जिला, बेमेतरा जिला। तो देखिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंतर्गत टोटल 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इसमें इन 17 लक्ष्यों में किस किस जिले में सबसे अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, तो उस सूची में हमारे छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला सभी जिलों में अग्रणी है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, ठीक है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये रहा आपके दूसरे स्थान पर। पहले पोजिशन पर था MP, मध्य प्रदेश। थर्ड पोजिशन पर था महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ जो है ये सेकेंड पोजिशन पर रहा। हाल ही में यानी कि वर्ष 2023 में प्रदेश के किस कृषि उत्पाद को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स प्राप्त हुआ? कुबरी ममहानी, नगरी दुबराज, जीरा फूल और इंद्रभेष दुबराज। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 में हमारे प्रदेश के नगरी दुबराज चावल को, ठीक है, नगरी दुबराज चावल को GI टैग प्राप्त हुआ। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सातवां उत्पाद है, ठीक है, हमारे प्रदेश का सातवां उत्पाद है तथा दूसरा कृषि उत्पाद है,
जिसे 30 जनवरी 2023 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे प्रदेश में अब तक 7 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन सा है? एक है आपका बस्तर ढोकरा, बस्तर वुड क्राफ्ट यानी कि कास्ट शिल्प, बस्तर आयरन क्राफ्ट, उसके बाद चापा सिल्क साड़ी, बस्तर ढोकरा लोगो यानी कि जो उसका प्रतीक चिन्ह है लोगो, ठीक है। कितना हो गया आपका? 5। छठवा है आपका जीरा फूल, और 7वां है नगरी दुबराज चावल, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है चावल है, इसे आपका नगरी दुबराज को मिला है 2023 में, जीरा फूल को मिला है 2019 में, बस्तर ढोकरा को मिला है आपका, ये तीनों शुरू के जो तीन है ये तीनों को मिला है आपके 2008 में, चापा शिल्क को मिला है 2010 में, बस्तर ढोकरा के लोगों को मिला है 2014 में। तो ये 7 उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला है, जिसमें से 2 कृषि उत्पाद है। जो जीरा फूल है ये सरगुजा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। नगरी दुबराज है, नगरी कहाँ पर है आपका? ये मौजूद है धमतरी में मौजूद है आपका माँ दुर्गा स्व सहायता समूह को ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितनी कुंटल धान की खरीदी की गई? 97 लाख मैट्रिक टन, 98 लाख मैट्रिक टन, 107 लाख मैट्रिक टन, 110 लाख मैट्रिक टन। प्रदेश सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी की गई। इस बीच में 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य को किस कृषि उपज के लिए पोषण अनाज अवार्ड 2022 का सम्मान मिला? धान, दलहन, तिलहन, मिलेट्स। तो ध्यान दीजिएगा, पोषण अनाज अवार्ड 2022 मिला है प्रदेश सरकार को मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के लिए, ठीक है। मोटे अनाज के लिए जो है प्रदेश सरकार को पोषण अनाज अवार्ड 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। केरल की तर्ज पर प्रदेश के किस जिले में रबर की खेती की जाएगी? ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में केरल के तर्ज पर रबर की खेती जो है ये बस्तर जिले में किया जाएगा। भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश का बस्तर जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ कितने कुंटल धान की खरीदी की जाएगी? 15 क्विंटल प्रति एकड़, 20 क्विंटल प्रति एकड़, 25 क्विंटल प्रति एकड़, 27 क्विंटल प्रति एकड़। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार जो है अब तक 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी कर रही थी, अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी करेगी। पहले 15 एकड़ प्रति एकड़ की दर से कर रही थी, अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी करने का प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। राज्य सरकार के द्वारा दलहन खरीदी विपणन वर्ष 2022-23 में 3 दलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही, निम्न में से कौन सा दलहन फसल शामिल नहीं है? प्रदेश सरकार जो है, देखिए पहले ऑप्शन सुन लीजिए, मसूर, अरहर, उड़द और मूंग। प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दलहन फसलों की खरीदी की जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, उसमें जो है मसूर शामिल नहीं है, ठीक है, मसूर शामिल नहीं है। अरहर की खरीदी 6600 रुपये प्रति कुंटल की दर से, उड़द की खरीदी 6600 रुपये प्रति कुंटल की दर से, और मूंग की खरीदी 7755 रुपये प्रति कुंटल की दर से प्रदेश सरकार ने इसकी खरीदी की है। मसूर शामिल नहीं है, केवल 3 दलहन फसलों की खरीदी की गई है, अरहर, उड़द और मूंग की। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर आयोजित हुआ?
ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी चंदखुरी, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी राजीव। तो देखिए जहां पे रामायण शब्द आता है तो सबसे पहले ध्यान जाता है चंदखुरी पे, लेकिन ध्यान देना इसका आयोजन हुआ आपके रायगढ़ में कब से कब तक, 1 से लेकर के 3 जून 2023 में जो है इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का, प्रदेश के पहले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपके कंबोडिया और इंडोनेशिया के साथ साथ 13 राज्यों के कलाकार इसमें शामिल हुए थे। इसमें केलो आरती, सामूहिक हनुमान चालीसा और दीपदान आदि जो है विशेष आकर्षण में थे। ठीक है, इसमें जो है अरण्यकांड, ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है ये अरण्यकांड पर आधारित था, यानी कि भगवान श्री राम जो वनवास काल के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वाले क्षेत्र में समय व्यतीत किए थे। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर केंद्रित था पूछा जाएगा, तो ये किस पर केंद्रित था, अरण्य कांड पर केंद्रित था। ठीक है, अरण्य कांड पर केंद्रित था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक, इसमें इंडोनेशिया और कंबोडिया दो देश के कलाकार भी शामिल हुए थे। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ 1 से लेकर के 3 मई 2023, 1 से 3 जून 2023, 1 से 5 जून 2023, 11 से 13 मई 2023, बता चुका हूँ 1 से लेकर के 3 जून 2023। माता कौशल्या महोत्सव 2023 का थीम था श्री राम ननिहाल, श्री राम वनगमन पथ, महिला सशक्तिकरण, रामायण बालकांड। अब देखिए ये जो आपका माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये हुआ चंदखुरी रायपुर में, और इसका विषय वस्तु था महिला सशक्तिकरण, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब ये माता कौशल्या से रिलेट करते हुए भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट मत लगा लेना। इसका थीम क्या था, इसका थीम था आपका महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है अक्ति तिहार के दिन, मकर संक्रांति के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या छेरछेरा के दिन, तो कब किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है आपके प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों से दलहनी फसल मूंग की खरीदी विपणन वर्ष 2022-23 में किस दर पर की जा रही है, 6600 रुपये प्रति क्विंटल, 3777 रुपये प्रति क्विंटल, 3000 रुपये प्रति क्विंटल या फिर आपका 7755 रुपये प्रति क्विंटल। तो मूंग की खरीदी प्रदेश सरकार जो है ये 7755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश सरकार ने इस मूंग की खरीदी की, दलहन फसल की खरीदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, लावा नदी जलाशय एवं भूमिका व्यपवर्तन परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है, जशपुर जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, आपका कोरिया जिला। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रस्तावित है आपके बलरामपुर जिले में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लावा नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो लावा नदी जो है ये बलरामपुर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ दंतेश्वरी को समर्पित साल की पहली मंडाई नेतानार मंडाई का आयोजन किस जिले में हुआ, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला। तो ध्यान दीजिएगा ये जो नेतानार मंडाई का जो आयोजन है ये बस्तर जिला में हुआ, इसमें मुख्य रूप से धुरवा जनजाति के लोग शामिल होते हैं और केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, तो माँ दंतेश्वरी को समर्पित यह पहला मंडाई मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, चित्रसेन साहू का संबंध किस क्षेत्र से है, बैडमिंटन, तैराकी, शतरंज या फिर पर्वतारोहण। तो ध्यान दीजिएगा ये जो चित्रसेन साहू है ये आपके पर्वतारोही है, ये दिव्यांग है, ब्लेड रनर है। ठीक है, कृत्रिम पैरों की सहायता से ये पर्वतारोहण करते हैं। इनसे भी जुड़े हुए फैक्ट को याद रखना, ये जो है इन्होंने किली मंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, इसका पर्वतारोहण ये कर चुके हैं। दूसरा है कोजी अस्को, इनसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। एक है आपका माउंट एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और एक है आपका माउंट एकांका गुहा, ठीक है, ये जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। एक बार का प्रश्न पूछा था कि जो चित्रसेन साहू है, चित्रसेन साहू की उपलब्धियों में, पर्वतारोहण की उपलब्धियों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप का प्रश्न जो है पीएससी में पूछा था,
तो याद रखना ये सभी पर्वतों के नाम आपको याद होने चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियस्को, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाका गुहा, इस पर जो है इन्होंने पर्वतारोहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचौरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और आपका रायगढ़। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है आपके रामचौरा पहाड़ी की, इसको रामगढ़ की पहाड़ी मत समझ लेना। रामचौरा पहाड़ी ये मौजूद है आपके बलरामपुर जिले में, ठीक है। रामचौरा पहाड़ी कहां पर स्थित है? बलरामपुर जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि इसे भी राम वनगमन पथ से जोड़ा जाएगा। तो रामचौरा की पहाड़ी किस जिले में है? बलरामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, मार्च 2023 में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन हुआ, कौन से क्रमांक का भोरमदेव महोत्सव का आयोजन हुआ? 22वां, 25वां, 27वां, 29वां। तो कौन से नंबर का हुआ है? 27वें नंबर के भोरमदेव महोत्सव का आयोजन हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत अब तक कुल कितने केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है? 7, 11, 14, 24। तो ध्यान दीजिएगा 24, पहले चरण में 7 का मिला था, दूसरे चरण में 7 का मिला, तीसरे चरण में 14 का मिला, तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 24, सॉरी तीसरे चरण में जो है 10 का मिला, तो कितना हो गया? 7, 7, 14 और 10, 24। तो टोटल हमारे प्रदेश में जो है खेलो इंडिया स्कीम के तहत अब तक कुल 24 केंद्रों की स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? अंजलि गुप्ता, नैना सिंह धाकड़, यशी जैन या फिर आपका अमिता श्रीवास। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा यशी जैन। यशी जैन जो कि अब तक चार सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण कर चुकी है, चार महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे पहले माउंट एकांका गुहा, अभी हमने नाम देखा था, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसके साथ साथ आपका माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इनका पर्वतारोहण ये कर चुकी है। और इसी के साथ चार महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण करने वाली प्रदेश की एक मात्र महिला पर्वतारोही बन गई है, कौन? यशी जैन जी, ठीक है। अगर इनकी ऊंचाई देखना चाहेंगे तो एकांका गुहा का है 6962, किलिमंजारो का है 5896, एल्ब्रुस का है आपका 5642 और माउंट एवरेस्ट का है 8848.86, ठीक है। प्रदेश के पहले खिलाड़ी अजय मंडल जी का संबंध किस खेल से है? स्केटिंग, क्रिकेट, मलखंब या हॉकी? तो ध्यान दीजिएगा इनका संबंध है क्रिकेट से। ये जो है आपके सी एस के यानी कि चेन्नई सुपर किंग के तरफ से इन्होंने आईपीएल में शामिल थे, चेन्नई सुपर किंग के टीम में। एक और है आपका हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि किंग्स 11 पंजाब में इस साल के आईपीएल में शामिल थे, इन दोनों के भी नाम को भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। वर्तमान राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया, इससे पूर्व ये किस राज्य के राज्यपाल थे? झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित रमेश बैस जी, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया है? ठीक है, ये जो आपका रमेश बैस जी है इनका संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है, इन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश है? 11वें, 12वें, 13वें, 15वें। तो ध्यान दीजिएगा ये 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश थे आपके अरूप कुमार गोस्वामी जी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले जज जिन्हें शीर्षस्थ कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया, प्रशांत मिश्रा जी, जस्टिस यतीन्द्र चंद्र, जस्टिस राजीव गुप्ता या जस्टिस नवीन सिन्हा? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा आपके जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से संबंधित है,
ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के निवासी है। ये बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी कि न्यायाधीश बनाए गए हैं, और छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने से पहले ये आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे 2021 से 2023 तक। छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक न्यायाधीश भी रहे 2021 में, और छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता के तौर पर भी ये कार्यरत थे 2007 में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी का किस विधानसभा, संतराम नेताम जी किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है? शक्ति, केशकाल, जांजगीर चांपा, भानुप्रतापपुर। देखिए, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात हो रही है जिनका नाम है संतराम नेताम जी। इनसे पहले उपाध्यक्ष थे आपके मनोज सिंह मंडावी जी, मंडावी जी जिनका निधन हो गया। उनके पश्चात विधायक, उनके पश्चात नेता, उनके पश्चात जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए आपके संतराम नेताम जी। ये केशकाल विधानसभा सीट से ये संबंधित है, यानी कि केशकाल विधानसभा सीट से ये विधायक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा, श्री विवेक ढांड, श्री बालम चक्रधारी और श्री अजय सिंह। तो छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री विवेक ढांड जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटवार पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा, मेहतरु मधुकर, भागवत जायसवाल और चंपेश्वर गोस्वामी। तो कोटवार पुस्तक के लेखक है आपके भागवत जायसवाल जी। ठीक है, भागवत जायसवाल जी जो है ये कोटवार पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं है? हमारे बापू, संबल, पहलू और जनमन। ये जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ये भी आपका एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, हमारे बापू, हमारे राम, संबल, पहल और जनमन, ये जो है आपके जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, पहलू नहीं, पहल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पहल जो है ये पत्रिका जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहल के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ पहलू। भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? शंकर पांडे, झाबरमल शर्मा, सर वे राज सिंधे और दशरथ लाल निषाद। उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका झाबरमल शर्मा। ठीक है, भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक, जो अभी मैंने आपको पुस्तक बताया, कोटवार और आपका भारतीय गोधन, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है इसको अच्छे से याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी दर कितनी निर्धारित किए गए हैं? 193 रुपये प्रतिदिन, 204 रुपये प्रतिदिन, 214 रुपये प्रतिदिन, 221 रुपये प्रतिदिन। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 221 रुपये प्रतिदिन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा? 50,000 रुपये। पहले यह राशि 25,000 रुपये थी, जिसे बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 115, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो ये जो है आपके रायपुर जिले में प्रस्तावित है। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल की शुरुआत किस दिन से की जाएगी? हरेली तिहार, छेरछेरा पर्व, अक्ति तिहार, पोला तिहार। ठीक है, इसका शुरुआत हो चुका है आपके हरेली तिहार के दिन से, 17 जुलाई 2023 से इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। इसमें इस बार 16 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। दो नवीन खेल है रस्सी कूद और कुश्ती, ये दो नवीन खेलों को शामिल किया गया है। पिछले साल जो है केवल 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था, इस बार दो नए खेलों को शामिल किया गया है, रस्सी कूद और कुश्ती को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार जो छत्तीसगढ़ या ओलंपिक है, इसका शुभंकर बनाया गया था बछरू को। ठीक है, बछरू इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना कि छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का शुभंकर कौन है, ये है आपका बछरू। ये 17 जुलाई से लेकर के 27 सितंबर 2023 तक आयोजित होगा। ठीक है, ये सारे चीज फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल कितने स्कूलों का चयन किया गया है?
196, 211, 449, 275। तो कितने का चयन किया गया है? 211 स्कूलों का चयन किया गया है। इसका डिटेलिंग हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि एकमुश्त दिए जाने की घोषणा की गई है? 7,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये की सहायता राशि एकमुश्त प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की न्यायिक जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ल, न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सतीश कुमार अग्निहोत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब किसने जीता? अदिति शर्मा, जानवी सोनी, रूपाली भूषण या शिवानी जाधव? तो किसने जीता है? अदिति शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर कबीर शोध संस्थान प्रस्तावित है? कुदुरमाल, कबीरधाम, दामाखेड़ा, नवा रायपुर? ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि नवा रायपुर में कबीर शोध संस्था स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 121, 127, 132, 139। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, पहले इसका आंसर था 117, अब ये बढ़कर कितना हो गया? 139। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष किस स्थान पर राजा मोर ध्वज महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है? रतनपुर, आरंग, रायगढ़ और आपका तखतपुर। तो ध्यान दीजिएगा, मोर ध्वज महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रतिवर्ष कहां पर? आपके आरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, अलकनहार नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? अलकनहार नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? यह है आपका गरियाबंद, ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और ऑप्शन डी है आपका बीजापुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अलकनहार नदी है, ये अलकनहार नदी मोहिला मानपुर अंबागढ़ जिले में प्रवाहित होती है, ठीक है, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में ये अलकनहार नदी प्रवाहित होती है। मधेश्वर पहाड़ किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, कोलिया, जशपुर या मनेंद्रगढ़? तो देखिए, ये आपका मधेश्वर पहाड़ एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो जो मधेश्वर की जो पहाड़ी है ये जशपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में चर्चा में रहे क्रोमियम निकल भंडारित क्षेत्र केलवार डबरी और भालूकोना किस जिले में स्थित है? महासमुंद जिला, कबीरधाम जिला, कोरबा जिला या सारंगढ़ बिलाईगढ़? तो ये जो आपका क्रोमियम और निकल भंडारित क्षेत्र है जिसका नाम है केलवार डबरी और भालूकोना, ये दोनों के दोनों जो है कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ पर किस खनिज का भंडारण है? क्रोमियम और निकल खनिज का भंडारण है। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ नासिया तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी, अर्पा नदी? ध्यान दीजिएगा, ये मौजूद है शिवनाथ नदी के तट पर नासिया तीर्थ, जो आपका शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग जिले में स्थित है, जो कि 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ की यहां पर पद्मासन प्रतिमा, देश की सबसे ऊंची 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा मौजूद है नासिया तीर्थ में। इसी आपके दुर्ग जिले में एक और तीर्थ है नकपुरा तीर्थ, ठीक है, दोनों के दोनों जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी प्रज्ञागिरी, ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो याद रखिएगा, मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी ये जो है रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किस तिथि से हुई? तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, 18 दिसंबर 2022, 2 नवंबर 2022। तो इसकी शुरुआत हुई आपके 1 मई 2022 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के नए विधायक बनाए गए? ब्रह्मानंद नेताम, हेमा मंडावी, मनोज मंडावी, श्रावित्री मंडावी? तो देखिए, भानुप्रताप विधानसभा पे जो है पहले आपके मनोज मंडावी जी यहाँ से विधायक थे, जिनका निधन हुआ, जिसके पश्चात यहाँ से विधायक आपकी चुनी गई है सावित्री मंडावी जी, जो कि मनोज मंडावी जी की ही धर्मपत्नी है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 5 एकड़ तक की भूमि, अधिकतम 500 पौधों के रोपण हेतु शासन द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? देखिए, 5 एकड़ तक जो है 100% का अनुदान दिया जाएगा, 5 एकड़ से अधिक होता है तो 50% का वित्तीय अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129,
वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक बैक फ्रॉम दी ब्रिंक किस वन्य प्राणी पर केंद्रित है? पहाड़ी मैना, टाइगर या बाघ, वन भैंसा या फिर आपका माउस डियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये वन भैंसे के ऊपर आधारित पुस्तक है, वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक बैक फ्रॉम दी ब्रिंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नवंबर 2023 को संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किस विभूति को संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड 2022 के लिए चयनित किया गया? डॉक्टर राधेश्याम बारले, डॉक्टर तीजन बाई, ममता चंद्राकर, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, तीजन बाई को जो है आपका संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड 2022 के लिए चयनित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर को एक लोक गायिका के रूप में भारतीय रंगमंच में उनके योगदान के लिए किस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में इन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन यह संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019 है, 2019 का अवार्ड उन्हें 2022 में प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित कश्यप बंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? तबला वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक या इनमें से कोई नहीं। कश्यप बंधु जो कि खैरागढ़ क्षेत्र से संबंधित है, ये जो है ये हिंदुस्तानी वोकल संगीत से संबंधित है, ठीक है, हिंदुस्तानी वोकल संगीत से जो है इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2016-18 से 159 प्रति लाख से घट करके वर्ष 2018-20 में कितनी रह गई? 151, 142, 137, 113। मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है? प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या, ये कहलाती है आपकी मातृत्व मृत्यु दर। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व मृत्यु दर है ये घट करके हो गया है 133, जिसमें 22 अंक की, ठीक है, जिसमें जो है 22 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, 22 अंक की गिरावट। अगर 2018-20 के लिए भारत की बात की जाए तो भारत का जो मातृत्व मृत्यु दर है वो है आपका 97, ठीक है, 97, पहले था 103, 103 से घट करके हो गया 97, छत्तीसगढ़ का था 159, 159 से घट करके हो गया कितना, 137, टोटल 22 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वजन त्यौहार 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का कुपोषण दर कितना अनुमानित है? 17.76%, 19.86%, 27.41%, 34.73%, ठीक है। ये तो आपका महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, वजन त्यौहार 2022 के हिसाब से हमारे प्रदेश में जो कुपोषण दर है वो है आपका 17.76%, पिछले आपके वजन त्यौहार में ये था 19.86%, जिसमें 2.1% की कमी दर्ज की गई है, इस कमी का परसेंटेज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में स्थित है? सिंगल वन लाइनर फैक्ट है, नरसिंह गंगा गुफा ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी बीजापुर। नरसिंह गंगा गुफा जो है ये कोरबा जिले में स्थित है, यहीं पर नरसिंह गंगा झरना भी स्थित है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, बस्तर जिला, रायगढ़ जिला। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, यहाँ पर सौर, देखिए जहाँ स्टोरेज आ रहा है ना, तो एक एक प्लांट, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है चरोदा भिलाई में, ये क्या है, सोलर एनर्जी स्टोरेज, स्टोर करके रखा जाएगा, ये स्थापित कर रहा किया जा रहा है आपके राजनांदगांव में, राजनांदगांव में 100 मेगावाट क्षमता का यहाँ पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ पर 120 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट स्थापित किया गया है, ठीक है, दोनों अलग है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ है, दुर्ग जिले के चरोदा में, ठीक है, और ये क्या है, सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है, ठीक, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डांड पानी वृहद जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? कन्हार नदी, रिहंद नदी, ईब नदी, केलो नदी। तो ये जो है आपके ईब नदी पर स्थित है, जो कि कुनकुरी जशपुर में है, ठीक है, कुनकुरी जशपुर में यह प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही प्रदेश के किस स्थान पर 2400 साल पुराने जनपदकालीन सिक्कों एवं मुद्राओं तथा जल
दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, जमराव ग्राम दुर्ग, तर्री घाट दुर्ग, आपका डमरू बलौता बाजार और रीवा आरंग। तो देखिए ये जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं आपके रीवा ग्राम में, जहां पर 2400 साल पुराने मगधकालीन, सर्वपुरीयकालीन, कुषाणकालीन सिक्के एवं मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बीसद्वारिया मंदिर किस जिले में स्थित है? बालोद जिला, बस्तर जिला, कांकेर जिला, बिलासपुर जिला। तो ध्यान दीजिएगा, बीसद्वारिया मंदिर जो है ये बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित है, ठीक है, जो कि कलचुरीकालीन मंदिर है, कलचुरीकालीन मंदिर है। यह कलचुरीकालीन शासक राज सिंह के द्वारा इसे बनाया गया है। और ये आपका बीसद्वारिया मंदिर किसे समर्पित है पूछा जाए तो ये प्रतिमा विहीन है, यहाँ पर किसी भी देवी देवता की कोई भी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुआ। ब है आपका इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकार के साथ साथ 10 देशों के विदेशी कलाकार भी शामिल हुए। ऑप्शन सी, कथन सी है आपका, कथन स है फसल कटाई श्रेणी कि नृत्य में उड़ीसा के ढेसना नृत्य को प्रथम पुरस्कार मिला। ऑप्शन कथन द है आपका विवाह संस्कार श्रेणी में सिक्किम के तमांग सेलो को प्रथम पुरस्कार मिला। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो है आपका कथन ये गलत होगा, क्योंकि ये जो आयोजन हुआ ये 1 से लेकर के 3 नवंबर तक हुआ, ठीक है, 1 से लेकर के 3 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। 6 नवंबर तक तो आपका राज्योत्सव का आयोजन हुआ, लेकिन 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ 10 देशों के कलाकार शामिल थे, सही है। फसल कटाई श्रेणी में जो है उड़ीसा के ढेसना नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये गलत है। इसमें छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, जबकि विवाह संस्कार श्रेणी में सिक्किम के तमांग सेलो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ब और स सही है, ठीक है। इसका डिटेलिंग और जो है करंट अफेयर के बुक से कर लेना, बाकी इसमें इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, 7 अक्टूबर 2022 को, थोड़ा सा ना पिछले साल के भी 1-2 महीने करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। 7 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर। तो देखिए कोंडागांव और कांकेर को लेकर के कन्फ्यूज होते हैं अधिकतर लोग, तो ये इसकी स्थापना की गई है कांकेर जिले के नथिया नवा गाँव में, ठीक है, कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में इसकी स्थापना की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के लिए कुल कितने खरीदी केंद्रों की स्थापना की गई थी? 2197, 2235, 2379 और 2497। तो ध्यान दीजिएगा 2497 धान खरीदी केंद्र की स्थापना की गई थी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना द्वीपा के प्रथम चरण में कुल कितने स्थापित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन किया हुआ है हमारा, ठीक है, 300 प्रथम चरण में 300 आपके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बैतूल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बैतूल जलप्रपात बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और सुकमा। ध्यान दीजिएगा बस्तर जिले में खोजा गया नवीन जलप्रपात है आपका बैतूल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीयकालीन पेदम्मा गुड़ी किस जिले में स्थित है? बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, कांकेर जिला और आपका कोंडागांव जिला। तो ध्यान दीजिएगा ये मौजूद है आपके बस्तर जिले में। पेदम्मा गुड़ी जो कि काकतीयकालीन मंदिर है ये माँ पार्वती को समर्पित है, ठीक है, काकतीय शासक अन्नमदेव के टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। पेदम्मा का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी माँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलुंग बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? सुकमा जिला, बीजापुर जिला, कोरबा जिला, जशपुर जिला। तो ये मौजूद है आपके सुकमा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जुरासिक कालीन टी फर्न के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा या फिर महासमुंद। तो दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला के जंगलों से जुरासिक कालीन यानी कि डायनासोर के टाइम पीरियड के यहाँ पर टी फर्न एक प्रकार का वनस्पति है, टी फर्न प्राप्त हुआ है। प्रदेश के किस जिले से बहुकोशीय समुद्री शैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए? गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो जैसे ही आपका ना ये समुद्री शब्द आता है तो मैरीन फॉसिल पार्क में दिमाग जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर मत लगा देना, वहां पे मैरीन फॉसिल समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य मिले। यहां पे क्या बोल रहा है, समुद्री शैवाल बोल रहा है, समुद्री शैवाल के जीवाश्म ये मिला है आपके महासमुंद। महासमुंद जिले में सुरंगी नदी में ये साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का 16वां निजी विश्वविद्यालय आंजनेय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किस जिले में मिली है? कोरबा जिला, बिलासपुर जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला। तो आंसर होगा रायपुर जिला। रायपुर जिले के मंदिर हसौद में प्रदेश के 16वें निजी विश्वविद्यालय आंजनेय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है राज्य अलंकरण पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं और किन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसको सुमेलित कीजिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले गुंडाधुर पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है अमितेश मिश्र को। गुरु घासीदास सम्मान ये मिला है आपके खेमचंद भारती को। चक्रधर सम्मान ये मिला है वेदमणि शुक्ल ठाकुर को। धनवंतरी सम्मान ये मिला है मनोज चौकसे को। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। तो यहाँ होता है जनवरी से लेकर के जून 2023 तक का करंट अफेयर्स समाप्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ भी मिले। देखिए, टू दी पॉइंट इसी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कथन आधारित प्रश्न या फिर डायरेक्ट आपके ये अलंकरण पुरस्कारों से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये एक पैटर्न बताया गया है जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकता है। आप अपने तरफ से थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।